Today we take you to one of the most beautiful waterfalls of Meghalaya, Krang Suri Waterfall. Welcome to the day 4 of our northeast trip. Or aaj date hai 30th December. 30th hai? Yep. 30th December aur time ho raha hai 6:10. और जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हम लोग अभी हैं शिलोंग के अपने होटल रस्टीज गेस्ट हाउस, जो हमने ओयो के थ्रू बुक कराया था। और बस अभी हम लोग जाके थोड़ा बहुत ब्रेड बटर खाएंगे नीचे होटल में ही, और यहाँ से हम निकलेंगे। तो आज के दिन में पहले हम जाएंगे क्रांग सुरी वाटरफॉल, और उसके बाद हम जाएंगे शनैक पडैंग जो टोकी रिवर पर ही पड़ता है। तो उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट डे जो कि मॉलिनांग में है वहाँ जाएंगे। अगर जल्दी पहुँचते हैं मॉलिनांग तो मॉलिनांग का भी आपको व्यू दिखाएंगे कि कैसा दिखता है। वैसे मॉलिनांग जो है वो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। After finishing our breakfast, we started our journey from Shillong towards Krang Suri at 6:30 in the morning. Journey from Shillong to Krang Suri is about 90 kilometers, which takes around 3 hours to cover. Meaning of word Meghalaya is abode of clouds. और सामने देखिए बादल, और अभी कुछ सेकंड्स में ही हम इन बादलों के बीच में से निकलने वाले हैं। पूरा मेघालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें टोटल हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड दोज 3 डिवीजन्स आर खासी हिल डिवीजन, जिससे हम अभी आ रहे हैं, इसमें शिलोंग आता है। नेक्स्ट है जयंतिया हिल डिवीजन, जिसमें हम अब जा रहे हैं, जिसमें जोवाई आता है। और लास्ट है गारो हिल डिवीजन। आगे की रोड्स तो इतनी डिफरेंट हैं, लगता है जैसे हम वापस से प्लेन्स में आ गए हैं, क्योंकि माउंटेंस कोई आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। After a drive of 3 hours, we finally enter the gates of Krang Suri Waterfall. यहाँ आने के बाद लगता ही नहीं कि यहाँ कोई वाटरफॉल भी हो सकता है। क्रांग सुरी वाटरफॉल हम लोग जहाँ पार्किंग स्पॉट है वहाँ अभी पहुँच चुके हैं। yes. और सबसे अच्छी बात मुझे इस वाटरफॉल की लग रही है कि यहाँ पर उतने लोग नहीं आते हैं। यहाँ कोई नहीं आता। 3 कार और 1 हिमालयन खड़ी हुई है बस, तो इतने ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई आता जाता नहीं। यहाँ मतलब यहाँ पर वेरिएशंस इतने हैं। इधर देखो तो सारा लैंडस्केप इज ब्राउन 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 ब्राउन, ठीक है। अब अगर उधर देखा जाए ना, एकदम से फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, मतलब लाइक वैली स्टार्ट हो जाती है, जहाँ इतने पेड़ हैं, एकदम घना जंगल। Thank you.
पानी है ऊपर ऊपर से ये दिखने लगेगा। Now we start the downhill trek for Krangsuri. क्रैंगसुरी वाटरफॉल अमेजिंग है। अभी रुको दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा देख के। अभी तो मिस्ट्री है कि कहाँ है वाटरफॉल, कैसा है वाटरफॉल, बस आवाज आ रही है। आवाज अच्छा, यस यस, ओह गॉड, शो वाटर में जब सूरज की किरणें पड़ रही थी तो वो हीरे जैसी चमक रही थी। Krangsuri must be in your list and you must come visit this gem. This is Krangsuri. Woo! Look at the view. मैंने बोला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है भाई, मजा आ गया। मतलब ये जगह ऐसी है कि मैं लिख के दे देता हूँ, आप लोग लिख भी लो कि अगर आपको विंटर्स में आना है, आ जाओ। मैंने नहीं जाना। हाँ ऊपर से देखते हैं एक बार। अगर आप लोगों को विंटर्स में आना है और वाटरफॉल्स भी देखने हैं तो कॉमन बिलीफ ये है कि यहाँ वाटरफॉल नहीं मिलेंगे विंटर्स में, जनवरी दिसंबर में। पर जैसे हम लोग कल काकोचांग गए और आज ये क्रांगसुरी, आप इनमें आके एंजॉय कर सकते हो, फुल एंजॉय। चलते हैं एक बार टॉप से देखते हैं कैसा दिखता है। Thank you.
हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में ही था। हम लोग क्रांगसुरी वाटरफॉल होके आ गए हैं अभी। यहाँ से जो वे टू क्रांगसुरी मतलब पार्किंग से जो रास्ता है वो पूरा नीचे उतरना है करीब 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगता है, जो काफ़ी इजी है क्योंकि उतरना होता है, पर वापसी में आपको मे बी 15 से 20 मिनट के आसपास लग जाए। पर इतना भी टायरिंग नहीं है कि आपको रुकना पड़े बीच में, आप धीरे धीरे करके चलते चलिए, सीढ़ियाँ इतनी भी इंक्लाइंड नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और बने रहिए हमारी आगे की नॉर्थ ईस्ट जर्नी देखने के लिए।